Hey guys, welcome to my channel Vivek Special. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Instagram, Facebook और Twitter के बारे में. जी हाँ फ्रेंड्स, आपने टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज बात करने वाला हूं कि क्या ये सोशल OTT प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे कि नहीं. हाँ दोस्तों मैं बता दूं कि जो OTT प्लेटफॉर्म है Facebook, Instagram, Twitter, इस पे कुछ फेक न्यूज भी वायरल होते हैं जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इन OTT प्लेटफॉर्म को वार्निंग दिया था. वार्निंग इन द सेंस कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करने के लिए एक वार्निंग लेटर दिया गया था. उसमें ये दिया गया था कि आप अगर ये चीज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कुछ अपने रूल्स में बदलाव लाने पड़ेंगे. मतलब कि जो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा यूज करता है उस पे आपको कुछ ना कुछ लिमिटेशन लाने पड़ेंगे, उस पे आपको ध्यान देने पड़ेंगे. चलिए बात करते हैं वन बाय वन. दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ऐसे फेक न्यूज इन OTT प्लेटफॉर्म पे वायरल हो जाते थे जिस पे गलत इफेक्ट हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोगों के बीच में पड़ती थी. बट इन सब फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए फरवरी में इंडियन गवर्नमेंट ने यह बोला कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे नजर रखनी पड़ेगी कि कोई भी फेक न्यूज का ओरिजिन कहां से है और आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे डायरेक्टली उस मेन विक्टिम को पकड़ के आप हमारे मदद कर सकते हैं. हाँ दोस्तों, बट ये वार्निंग फरवरी में दी गई थी और 25 मई को इस पर जवाब चाहिए था. बट अभी तक ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं आया है कि OTT प्लेटफॉर्म ने गवर्नमेंट को कुछ रिप्लाई किया. दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है काफी बड़ा है. आपको भी मालूम है कि इन प्लेटफॉर्म पे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया और इंस्टा हो गया. इन प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े नेता लोग इन प्लेटफॉर्म पे हैं. जैसे PM मोदी ट्वीट करते हैं, आपने ज्यादातर सुना होगा. तो PM मोदी OTT प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकते हैं. और मेरे हिसाब से ये सब प्लेटफॉर्म बंद नहीं होने चाहिए. हाँ, कुछ कंट्रोल्स गवर्नमेंट को और इन OTT प्लेटफॉर्म के जो ऑपरेशन है, प्रोसेस है, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल लाने चाहिए कि फेक न्यूज और गलत चीजों का बढ़ावा ना मिले. दोस्तों बता दो कि इन प्लेटफॉर्म की मदद से काफी लोगों ने अपनी लाइफ को सेटल किया है और साथ ही साथ काफी चीजों को आसानी से हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाया है. दोस्तों ये प्लेटफॉर्म जो है मेरे हिसाब से बंद नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस चीज पर ध्यान देना होगा. और जहां तक मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और इन प्लेटफॉर्म को बंद करने के लिए, जैसे हमारा PUBG बंद हुआ था, आपको भी मालूम है कि PUBG बंद हो गया था, TikTok बंद हुआ था, इन लोगों को भी एक नोटिस जारी हुआ था कि आप अपने प्राइवेसी, जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा. आपको यहाँ का डाटा वहां नहीं देना है. उसी तरह गवर्नमेंट ने इनको भी कुछ ना कुछ कंडीशंस दिए हैं. बट ये कंडीशंस जो है लाइक प्राइवेसी के रिगार्डिंग ये प्लेटफॉर्म्स काफी सेफ है, लेकिन जो गलत चीजें वायरल हो जाती हैं, जो गलत चीजें इन सब प्लेटफॉर्म पे दिखती हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म को कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि लोगों का फेथ आए, गवर्नमेंट का भी फेथ आए. दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.